नमस्कार, मैं कंचन सिंह राजपूत केकेआर न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के विदिशा में टीलाखेड़े स्थित निवासी खुमान सिंह कुशवाहा अपनी बेटी पर बीते कई महीनों से गलत नियत रख रहा था। बेटी पिता की करतूत को काफी समय से बेटी सहन कर रही थी। पिता की हरकतों से परेशान बेटी ने अपनी माँ को बताया, जिस पर माँ ने आपत्ति जताई तो खुमान सिंह कुशवाहा उसके साथ भी मारपीट करने लगा। मां बेटी ने सिविल लाइन थाना ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क पहुंचकर एसआई वंदना मिश्रा को मां बेटी ने पूरी घटना बताई। वंदना मिश्रा ने इस मामले की जांच करते हुए खुमान सिंह कुशवाहा पर तत्काल कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया, साथ ही मां बेटी को भी सुरक्षित घर पहुँचाया। विदिशा से भैयालाल धाकड़ की रिपोर्ट। नाम है आपका? कोविड टाइम तो वो ठीक रहे, लेकिन उसके बाद में उन्हें उनको परेशान करना चालू कर दिया। मेरी बेटियों के साथ गलत हरकतें करते थे। मैंने काफ़ी समझाया उनको, लेकिन वो नहीं समझे। घर में तोड़फोड़ करना, मारपीट करना हम लोगों के साथ में, मेरे साथ भी गलत हरकत, मतलब मेरे बच्चे के साथ गलत हरकत करते थे। और मैं जब घर में नहीं रहती थी तभी भी वो मेरी बच्चियों के साथ गलत हरकत करते थे। काफ़ी बार मेरे को बताया मेरी बच्चियों ने, मैंने उनको काफ़ी बार समझाया, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। तो फिर एक दिन अभी घर में फिर से दोबारा झगड़ा हुआ। उसके बाद में उनने काफ़ी तोड़फोड़ की घर में और सारी चीज़ें तोड़ दी और आग वाग लगा दी घर में। उसके बाद में हम लोग रात को 3 बजे करीब घर से बाहर निकल गए। उसके बाद में मैं अपने जेठ के यहाँ चली गई। जेठ के यहाँ फिर सुबह जाके मैं गया था उन्हें कंप्लेन कराई। देहात थाने गई, वहाँ पे वंदना मैडम से मिलवाया मुझे। और उसके बाद में उनने FIR करी। उनने हम लोगों के लिए मेडिकल के लिए भेजा जिला चिकित्सालय। उसके बाद में फिर हम लोगों का मेडिकल हुआ। उसके बाद में फिर मेरे हस्बैंड को जेल भेज दिया। उसके बाद में मैं घर पे वापस आ गई तिलकड़ी मेन रोड पे। क्या मामला हुआ था? मेरे पापा मेरे को ब्लड टेस्ट करते थे 6 महीने पहले से करते थे। क्या नाम है आपके पापा का? खुमान सिंह कुशवाहा। किस चीज़ में नौकरी करते थे वो? आर्मी। कैसी हरकत करते थे आपके साथ? गलत हरकत करते थे, छेड़छाड़ करते थे। जब मेरी मम्मी नहीं रहती थी घर पर तब भी करते थे, मेरे साथ गलत करते थे। तो मैंने मम्मी को बताया था तो उन्हें बोला था कि देहात थाने मतलब रिपोर्ट करेंगे। तो हम लोग देहात थाने गए और वहाँ पर SI वंदना मैडम ने कार्रवाई करके उनको जेल में। जेल कब भेजा? अभी 4-5 दिन। 28 तारीख। टीलाखेड़ी विदिशा की पीड़िता नीतू कुशवाहा अपने माइनर एज की बालिका के साथ में थाना आई थी। तो बालिका की CWC से काउंसलिंग कराई गई और उसके बाद में मतलब बताया कि जो उसका पिता है वो कई महीनों से उसके साथ में अश्लील हरकतें कर रहा था। उसने अपनी माँ को बताया, दोनों ने मिलकर उसको समझाया और कोशिश की कि वो समझ जाए, लेकिन वो नहीं माना और लगातार अपनी हरकतें बढ़ाता रहा। फाइनली परेशान होकर उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। IPC पॉक्सो एक्ट और JJFT की धाराओं में कायमी की गई और विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया, जहाँ से उसको जेल भेजा गया है। जो बालिका अपनी माँ के साथ में बेघर थी वो वापस अपने घर पर है। मैडम, जैसे कि देखा जाए उसकी पत्नी के साथ भी उसको काफ़ी देर प्रताड़ित किया गया था। हाँ, पत्नी को भी उसके द्वारा काफ़ी प्रताड़ित किया जा रहा था। जो आरोपी है वो भूतपूर्व सैनिक है और 2019 से उन लोगों के साथ में रह रहा है। तो लेकिन उन्होंने कभी रिपोर्ट करने का मतलब एक उनका वो नहीं था। वो सोच रहे थे कि घर का जो मामला है वो उसका पति समझ जाए और समझाने से उनके घर की जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए। लेकिन जब परेशानियां बहुत बढ़ती गई और उसने अपनी ही बेटी के प्रति जब इस तरह की हरकतों को बढ़ाना शुरू किया तो फिर उन्होंने आके रिपोर्ट की थाने। जैसे कि देखा जाए बेटी नाबालिग है, अभी सुनने में ऐसा आ रहा है। जी, बालिका नाबालिग। नाबालिग है तो उस पर क्या अगल मुकदमा दर्ज होगा क्या? उसमें पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। ठीक है, धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।